आम लोगों की पीड़ा की अभिव्यक्ति विधानसभा के पटल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य गुलाब चंद जी कटारिया ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय रखी और उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता इस बात को लेकर परेशान है, दुखी है, परेशान है कि राजस्थान के अंदर हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है, लाखों परिवारों का भविष्य अंधकार में करने वाली सरकार। और इस मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष के बोलने के बाद महामहिम में राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में बीजेपी के तमाम विधायक वेल में आके पुरजोर शब्दों के अंदर सरकार का विरोध दर्ज किया। ये सुन भी नहीं सकते थे विपक्ष के सदस्यगण, क्योंकि राजस्थान में जो अभूतपूर्व विकास हुआ है उसके बाबत राज्यपाल महोदय जो है सारी बातें बताना चाहते थे, उस बातों को सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए जो है ये वॉकआउट किया है। जहाँ तक पेपर लीक का सवाल है वो तो मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी जो है तो बाकी की भी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन आज तक जो दूसरी स्टेटों में जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य है जहाँ पर पेपर लीक हुए हैं वहाँ तो मुलजिम ही नहीं पकड़े गए आज तक। शर्म नहीं आती बीजेपी के लोगों को? विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा जब आया तब जाकर गवर्नर और अध्यक्ष को पता चलता। आप वो यूट्यूब उठाकर देखे, मैं दावे से कह रहा हूँ, जो राष्ट्रगान का अपमान किया राजस्थान की बीजेपी के नेताओं ने, उसके लिए इनके राष्ट्रीय नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए, सामने आना चाहिए कि राष्ट्रगान का आपके इतने वेस्टेड इंटरेस्ट हो गए। और बीजेपी जो मुद्दे अंदर लेकर आई है पेपर लीक के मामले में, जितना चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही है, जब बीजेपी की राजस्थान में सरकार थी और वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे तब पेपर लीक हुए, तब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस की सरकार वो सरकार है जो एक्ट लेकर आए, हम कानूनी कार्रवाई की। गंभीरता से आज सबको मिलके पेपर लीक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा धड़ा जो है वो कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि यदि जांच शुरू हुई तो पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार के कई ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री विधायक जो है वो इसके लपेटे में आएंगे।